Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for standard 5th, chapter 7, control panel, part 2 में हम आगे की exercise देखेंगे. Mouse की control panel में क्या settings है, keyboard की and all gadgets क्या क्या settings है control panel से settings कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस पार्ट में हमने स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर कैसे सेट करना है, कैसे चेंज करना है, कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन करना है, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. सो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. बच्चों, ओपन योर पेज नंबर 80 पेज पे आज हम पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ माउस कैसे करेंगे. तो माउस ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल अलाउज अस टू कस्टमाइज द माउस सेटिंग लाइक डबल क्लिक स्पीड, बटन कॉन्फ़िगरेशन, माउस पॉइंटर एंड मोशन स्पीड. ये सब सेटिंग हमको कंट्रोल पैनल में माउस ऑप्शन में मिलता है. इसके लिए हमको बिलो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन स्टार्ट, then choose control panel option, then click on mouse पे क्लिक करना है and mouse property window open up showing default buttons tab, है ना. ये mouse window open हो जाएंगी जब हम control panel में mouse को click करेंगे. so we get mouse properties window. Under button configuration, click switch primary and secondary button. यहाँ पे क्लिक करना है. You can increase and decrease double click speed by dragging the bar. हम double click की speed भी maintain कर सकते हैं, है ना? Drag drop करके. यहाँ पे लिखा है slow and fast, है ना? Check turn off click lock to enable your mouse to drag without holding down the mouse button. ये turn off click, इस पर अगर हमने click किया, enable किया, तो हमारा mouse drag करेगा without holding the down mouse button. Automatically वो work करेगा. Apply, click on apply and OK to save the mouse button configuration. जो भी सेटिंग करेंगे उसके बाद अप्लाई ओके करेंगे तो ही वो कॉन्फ़िगरेशन माउस के ऊपर अप्लाई होगा. क्लिक ऑन द पॉइंटर टैब, नेक्स्ट पॉइंटर टैब होता है, उस पर हमको क्लिक करना है टू कस्टमाइज द माउस पॉइंटर. माउस पॉइंटर अगर कस्टमाइज करना है तो हमको पॉइंटर टैब पे जाके क्लिक करना है. चूज द स्कीम फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स एंड अप्लाई एंड ओके. यहाँ पे पॉइंटर के पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. चूज करके आप अप्लाई ओके करेंगे तो पॉइंटर, माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा. क्लिक ऑन पॉइंटर ऑप्शन टैब, इंक्रीज एंड डिक्रीज द पॉइंटर स्पीड. पॉइंटर की स्पीड भी आप वेरी कर सकते हो. उसके लिए पॉइंटर ऑप्शन पे, ये टैब पे आपको जाना पड़ेगा. राइट, नाउ क्लिक द चेक बॉक्स अंडर अ स्नैप टू चेक डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स. वर्चुअल स्क्रोलिंग की सेटिंग करने के लिए हम स्नैप टू पे जाएंगे एंड फिर अप्लाई ओके करके सेव करेंगे तो पॉइंटर की सेटिंग भी चेंज हो जाएंगे. फिर क्लिक ऑन व्हील टैब टू सेट द वर्टिकल स्क्रोलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग स्पीड एंड सेट अप्लाई ओके. इसमें व्हील में जाके हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के स्क्रोलिंग के स्पीड भी
सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन हार्डवेयर टैब टू सी द करंट माउस प्रॉपर्टी। हार्डवेयर में माउस की सब प्रॉपर्टी आपको दिखाई देंगी। तो चलो बच्चों, पहले प्रैक्टिकली ये पॉइंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले सेटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा। सी स्टार्ट बटन दिख रहा है, इस पे गए तो ऑल प्रोग्राम दिखेगा, कंट्रोल पैनल दिखेगा। कंट्रोल पैनल में हमने क्लिक किया, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। इसमें माउस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वेयर इज माउस, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो क्लिक किया तो माउस की विंडो पॉपअप हुई। यस, ये बटन की सेटिंग्स है ना। आपको यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी बटन की सेटिंग्स करनी है तो क्लिक ऑन इट, है ना। फिर फास्ट स्लो, डबल क्लिक की स्पीड हमको फास्ट करनी है, स्लो करनी है, सो वी ड्रैग डाउन कर सकते हैं, ड्रैग अप कर सकते हैं, है ना। और क्लिक ऑन टर्न ऑन क्लिक क्लॉक, है ना। इससे हमको क्या होगा, एनेबल्स यू टू हाईलाइट और ड्रैग विदाउट होल्डिंग द डाउन द माउस बटन। और फिर हमारी सेटिंग हो जाने के बाद अप्लाई ओके कर सकते हो, ओके कर सकते हो। गॉट इट। नाउ पॉइंटर पे जाएंगे। नाउ बच्चों, यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन दिख रहा है, पॉइंटर्स दिख रहा है, पॉइंटर ऑप्शन दिख रहा है, व्हील एंड हार्डवेयर दिख रहा है। तो पॉइंटर पे जाएंगे और पॉइंट को अगर मुझे अभी मेरा पॉइंटर कौन सा है, यस एरो दिखा रहा है। आपको पॉइंटर को अलग अलग वे से भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। मूव करना है तो मूव कर सकते हो, सिलेक्ट पॉइंटर कैसे वैसे चाहिए तो वो भी हो सकता है ना। लार्ज ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक, अप्लाई ओके करेंगे सो ये देखो, है ना। पहले वाइट था कर्सर, अभी ब्लैक हो गया। यस, है ना। तो पॉइंटर में जाके हम पॉइंटर की टाइप्स चेंज कर सकते हैं। सी मैं फिर से नन करके दिखाती हूँ तो आपको दिखाएगा। और अप्लाई एंड ओके करेंगे तो अभी नॉर्मल हो गया कर्सर। यस, बच्चों अभी पॉइंटर ऑप्शन पे जाना है। कहाँ पे जाना है, पॉइंटर ऑप्शन में जाना है। आप पॉइंटर को फास्ट स्लो स्पीड भी कर सकते हो, है ना, मीडियम मॉडरेट स्पीड, इट इज इट्स ओके, है ना। व्हील की सेटिंग भी है यहाँ पे, ऑन स्क्रीन टाइम भी, टाइमर भी दिखाएगा। सेटिंग आप बड़ा ड्रैग ड्रॉप करके बड़ा और कम भी कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। पर हार्डवेयर में ये हमको बताएगा नेम ऑफ माउस, जो हीड कॉम्प्लीएंट कंपनी का है, है ना। USB पोर्ट है, ये सब माउस की इंफॉर्मेशन देखता है, है ना। अप्लाई ओके करके आप बाहर जा सकते हो। गॉट इट बच्चों। नाउ आगे देखते हैं, कस्टमाइज दी स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। विंडोज 7 प्रोवाइड एक्सेलेंट कंट्रोल ओवर द स्टार्ट मेनू। वी कैन चूज विच कमांड अपीयर्स ऑन द स्टार्ट मेनू एंड हाउ दे आर अरेंज टू चेंज द स्टार्ट मेनू ऑप्शन फॉलो द गिवन स्टेप। तो बच्चों स्टार्ट मेनू को भी आप अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पे जाना पड़ेगा। राइट क्लिक ऑन स्टार्ट ऑन टास्क बार एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाके हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। द टास्क बार एंड
स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज बॉक्स इज डिस्प्ले, यहाँ पे ये देखो टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज की विंडो पॉपअप हुई विद द स्टार्ट मेनू टैब सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। टैब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट किया हुआ रहता है। ऑन सेकेंड स्टेप ऑन स्टार्ट मेनू टैब यूज द पावर पॉइंट बटन लीज़ द सिलेक्ट टू एक्शन टू यूज व्हेन द पावर बटन इज प्रेस। ऑप्शन इंक्लूड्स स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉग रिस्टार्ट, स्लीप एंड शट डाउन। ये सब कैसे करना है, इनको कैसे मैनेज करना है, ये बटन पावर पॉइंट के बटन वो उसकी सेटिंग्स होती हैं। फिर क्लिक ऑन कस्टमाइज, क्लिक ऑन कस्टमाइज, ये टास्क बार बटन है ना, उसके हर एक बटन की सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, जैसे कि स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉग रिस्टार्ट, स्लीप, शट डाउन बटन्स की पैटर्न्स यहाँ पे सेट करते आएंगी। फिर कस्टमाइज पे क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है एंड दिस डिस्प्ले द कस्टमाइज स्टार्ट मेनू इन डायलॉग बॉक्स। फिर यूज द ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स कंट्रोल द जनरल अपीयरेंस ऑफ स्टार्ट मेनू, क्लिक ऑन ओके, देन अगेन द क्लोज द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज ऑफ डायलॉग बॉक्स। फिर से हम ओके करके स्टार्ट मेनू में जाएंगे। अभी डेट एंड टाइम की सेटिंग क्या है, राइट क्लिक और प्रेस ऑन द प्रेस एंड होल्ड ऑन द क्लॉक ऑन द टास्क बार। टास्क बार पे आपको राइट क्लिक करना है क्लॉक पे एंड होल्ड करके रखना है एंड क्लिक द एडजस्ट डेट एंड टाइम, तो ऐसी विंडो पॉपअप होगी। डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, क्लिक टैब ऑन द चेंज द टाइम एंड डेट बटन टू चेंज द डेट अंडर लेफ्ट डेट, यहाँ पे है बच्चों टाइम एंड डेट का आप एडिट कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। डेट सेक्शन सिलेक्ट मंथ एंड डे योर करंट डेट, चेंज द टाइम अंडर द टाइम सेक्शन सिलेक्ट द टाइप ऑफ योर करंट टाइम एंड क्लिक ओके, सेटिंग करके आप क्लिक ओके करना है तो आपके टाइम एंड डेट अपडेट हो जाएंगे। तो बच्चों हमने ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कर देते हैं। द कंट्रोल पैनल इन द विंडोज 7 इज द प्लेस टू गो व्हेन वी नीड टू मेक अ चेंजेस वेरियस सेटिंग ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी सेटिंग्स वेरियस सेटिंग्स करनी है तो हमको कंट्रोल पैनल में ही जाना पड़ता है। कंट्रोल पैनल अदर टू व्यूज आर कंट्रोल पैनल्स अदर्स टू व्यूज आर लार्ज आइकॉन व्यू एंड स्मॉल आइकॉन व्यूज होते हैं। विंडोज इज प्री लोड विद द नंबर ऑफ स्क्रीन सेवर्स, विंडोज में ऑलरेडी प्री लोड किए हुए रहते हैं स्क्रीन सेवर। माउस ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल अलाउज टू कस्टमाइज द माउस सेटिंग लाइक डबल क्लिक स्पीड, बटन कन्फिग्रेशन, माउस पॉइंटर एंड मोशन स्पीड, ये सब हम कस्टमाइज कर सकते हैं थ्रू माउस ऑप्शन से, है ना, जो अभी रिसेंटली ही मैंने दिखाया। विंडोज 7 प्रोवाइड एक्सेलेंट कंट्रोल ओवर द स्टार्ट मेनू, तो स्टार्ट मेनू पे भी वो अच्छे से कंट्रोल करता है। तो चलो आगे का पार्ट हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। डेट एंड टाइम मैं दिखा देती हूँ एंड कस्टमाइज टास्क बार भी दिखा देती हूँ, है ना। अगर बच्चों टास्क बार को अगर कस्टमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा एंड वी गॉट प्रॉपर्टीज ऑप्शन, तो प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे तो वी गॉट स्टार्ट बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज विंडो। ओके, नाउ स्टार्ट मेनू में बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग्स की हुई रहती है, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। टास्क बार में अभी जाएंगे तो उसमें टास्क
लॉक दी टास्क बार, ये ऑलरेडी किया हो रहता है ना, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं ऑटो हाइड टास्क बार पे क्लिक करती हूँ तो वो हाइड हो जाएंगे। अभी टास्क बार में बच्चों ये जो सिंबल्स है वो आइकॉन्स है ना, दैट इज कॉल्ड आइकॉन्स, वो आपको लार्ज इसमें दिख रहा है राइट, बट यू स्मॉल आइकॉन्स। तो हमने ये सब पे क्लिक किया है एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन अप्लाई एंड ओके कर देती हूँ, है ना। तो देखो ये हाइड हो जा रहा है, यस। और फिर से मैं क्या करूँगी, प्रॉपर्टीज में जाऊँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊँगी एंड ये दोनों मैं रिमूव कर देती हूँ। तो नाउ सी द डिफरेंस, है ना, अभी टास्क बार मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टीज में आप जाके बहुत लॉट्स ऑफ सेटिंग्स कर सकते हो, शटडाउन की, टूल बार की, है ना, एड्रेस, लिंक बार, सेटिंग्स, ऑल सेटिंग्स आर हियर, है ना। टास्क बार से रिलेटेड जितने भी है, स्टार्ट मेनू से है, वो सब प्रॉपर्टीज में जाके आप चेंज कर सकते हो। नाउ बच्चों डेट एंड टाइम पे आएंगे। डेट एंड टाइम पे हमने राइट क्लिक किया, सो हमको क्या मिला, यस, एडजस्ट द डेट एंड टाइम। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी क्लॉक की विंडो ओपन हो जाएंगी। इसमें हम डेट एंड टाइम को फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, है ना, एडिशनल क्लॉक हम ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट टाइम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ सेटिंग्स इन डेट एंड टाइम ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों अभी यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल दैट हैव अ ग्रेट डे, बाय।